नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं प्रणेंद्र। पिछले 7 तारीख मतलब 7 मार्च को कुख्यात अपराधकर्मी नवीन सिंह की गिरफ्तारी हुई। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी तो कही जा सकती है, क्योंकि पहले से ही कई कांडों में का आरोपी रहा है। करीब 2-2.5 दर्जन केस उसके ऊपर लंबित है। 26-27 केस के बारे में बताया जाता है पहले से। और 2 केस जो है 4 जनवरी 2024 की तिथि में बार्सलिन थाना में उस पर रंगदारी मांगने आर्म्स एक्ट वगैरह वगैरह का FIR वगैरह उसके खिलाफ हुआ था। उस मामले में गिरफ्तारी हुई, फरार चल रहा था, एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत के लिए वो प्रयासरत था और इस बीच में पुलिस के हत्या चढ़ गया। दिल्ली से गया लौटा था और गया से गाँव लौटने के पहले ही गया स्टेशन पर ही पुलिस ने उसे ट्रैप कर लिया। खैर जो भी हो, लेकिन इस मामले में एक बहुत ही यूं कह सकते हैं शर्मनाक बात है सामने आई है निकलकर। और वो बात ये है कि नवीन सिंह के पास दिल्ली से गया जंक्शन तक उतरने तक उसके पास एक बैग था और बार्सलियन थाना तक पहुंचते पहुंचते वो बैग गायब हो गया। उसके परिजनों का कहना है कि उस बैग में 40,000 रुपये का सामान था, जिसमें 27,000 रुपये का सामान तो सिर्फ और सिर्फ कपड़ा वगैरह का जो परचेजिंग उसने किया था दिल्ली में वो रखा हुआ था। बड़ा सा बैग था उसके परिवार के लोगों का कहना है, जिसमें पुलिस गया स्टेशन से उसे उठाती है। उस समय तक बैग उसके साथ होता है, उसको गाड़ी में बैठाया जाता है। उसके बाद 17-18-20 घंटे तक उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। उसके साथ जो व्यक्ति सफर कर रहे थे उनके द्वारा उसकी पत्नी को सूचना दी जाती है कि उसे पुलिस कथित पुलिस वाला उसमें, चूंकि शादी वर्दी में पुलिस वालों ने उसे उठाया था तो पुलिस वालों ने उसे उठा लिया है। 17-18 घंटे तक कोई सूचना उसके परिजनों को नहीं मिलती है। तो उसके बाद ये जब मीडिया रिपोर्ट्स में मीडिया के पास वो अपनी बात उसके परिजन जब रखते हैं और जब मीडिया में कहीं ना कहीं खबर जमाना शुरू होता है तब पुलिस के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि हाँ वो हमारी कस्टडी में है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि 3 बजे, कुछ लोगों का कहना है 5 बजे शाम, 3 से 5 बजे शाम के बीच में ही बार्सलिन थाना तक वो पहुंच चुका था और उसके बाद तक उसके परिवार वाले थाना से संपर्क करते रहे। लेकिन थाना वाले ने, बार्सलिन थाना के लोगों ने इस बात का खुला नहीं कहा कि मतलब स्वीकार किया कि नवीन सिंह हम लोग के पास है, हम लोग के कब्जे में। खैर जो भी हो, लेकिन सुबह होते थे इस बात को रात में 10 बजे के बाद इस बात को पुलिस वाला के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जब करीब करीब खबर जब आना शुरू हुआ तो स्वीकार कर लिया कि हाँ नवीन सिंह हम लोग के कब्जे में। जब इस बात की पुष्टि हुई तो अगले दिन 8 तारीख को उनके परिजन पहुंचते हैं थाना, उसे उसी दिन न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह आती है, या उसे शर्मनाक बात यह कह सकते हैं कि उसके पास जो बैग था वो बैग का कहीं अता पता नहीं चलता है। परिवार वाले ढूंढते हैं, मांग करते हैं, वो कहता है कि बैग मेरे पास था लेकिन पुलिस वालों ने पता नहीं कहाँ रख दिया। अब सवाल है कि पुलिस वाले से जब उसके परिजन जब अपनी बैग का डिमांड करने लगे तो कहा गया कि कहीं गिर गया है, कहीं फेंक दिया है वगैरह वगैरह का। सीधा कोई जवाब उस बैग के बारे में नहीं दिया गया। जब उसके कुछ परिजनों ने यह कहा कि क्या बैग आप लोग नहीं देना चाहते हैं, तो जो एक पदाधिकारी उन्होंने कहा कि यही मान लो, जैसा कि हमें बताया गया, हम कोई विटनेस नहीं है इसके। सवाल ये उठता है कि वो बैग गया कहाँ। परिजनों का कहना है कि अगर बैग कहीं फेंक दिया गया था या बैग कहीं गिर गया तो उसी बैग के अंदर में नवीन सिंह की दवाई रखी हुई थी और वो दवाई जो है सो से निकाल करके खाने के लिए दिया गया था। बार्सलिन थाना में वो दवाई था उसके पास। जब उसे इसका मतलब है कि बैग को खोला गया, देखा गया और तो बैग में कुछ हो सकता है कि थोड़ा सा बेहतर सामान था, उसको इधर से उधर कर दिया गया, जैसा परिजनों का आरोप है। परिजन का कहना है कि करीब 27,000 रुपये का तो सिर्फ उसने जो है सो कपड़ा वगैरह खरीद किया था, जिसमें कुछ जींस वगैरह था और कुछ बच्चों के कपड़े वगैरह थे, क्योंकि संभवतः 8 तारीख को महाशिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि के दिन ही उसके पहले बच्चे की पैदाइश है, तो बच्चे का बर्थडे था, संभवतः इसी के लिए वो दिल्ली से चला ही था अपने गाँव के लिए और उस रास्ते में वो ट्रैप हो गया गाँव पहुँचने के पहले। लेकिन अगर उसका बैग को पुलिस के द्वारा छिपाया गया है, रखा गया है, दाएँ बाएँ किया गया है, तो ये बहुत ही शर्मनाक मसला है। अगर किसी के बैग की को इधर से उधर किया गया है, आमतौर पर अगर किसी अपराधी के पास कुछ पकड़ा जाता है तो कहा जाता है कि ये एक एविडेंस है, उसमें एविडेंस तलाशा जाता है। सवाल है कि नया नया कपड़ा था, उस कपड़ा को आप कहाँ दाएं से बाएं कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। और एक तरह से तो ये चोरी का मामला भी बनता है। कायदे से अगर बात सही है तो नवीन सिंह के बयान पर FIR लॉन्च होना चाहिए था कि उसका बैग रास्ते में कहाँ गुम हो गया।
और नहीं तो पुलिस वाले के पास थोड़ा सा अगर धर्म ईमान है तो उस बैग को उसे वापस कर देना चाहिए, उसके परिवार के हवाले कर देना चाहिए था। एक अपराधी ही है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके सामान पर किसी दूसरे व्यक्ति का हक नहीं हो सकता है, उसकी संपत्ति पर उसी का हक हो सकता है। अगर अवैध कमाई है तो उसके लिए कुछ और कानूनी प्रावधान है जिसके तहत उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है। लेकिन अब जींस पैंट और बच्चों के कपड़े पर अगर किसी ने नजर गरा दिया और दाएं से बाएं कर दिया है, हाथ की सफाई कर दिया है, रख लिया है, तो किसी भी हिसाब से तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। और हमारी इस वीडियो के माध्यम से अपील है कि अगर पुलिस के बड़े अधिकारी के संज्ञान में इस वीडियो के माध्यम से बातें जाती है तो इस पर पहल करके उसके उस सामान को तो वापस जरूर सबसे पहले कर देना चाहिए। नहीं तो एक पुलिस वाले का आम पब्लिक के, चूंकि ये खबर जब आम पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी आम पब्लिक तक, तो क्या कुछ समझेगी और क्या कुछ सोचेगी। ऐसे तो पहले से भी लोग सोचते हैं, लेकिन इस टाइप की बात, इतनी छोटी सी बात अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाती है और उसके बाद भी अगर पुलिस वाले बैग को वापस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा उनके लिए शर्मनाक बातें होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक अपील की, अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।